हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अराफात खान। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन को स्टार्ट किया था और हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जब आप मोशन को डिस्कस करते हैं, जब आप मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं, एक स्पीड और एक वेलोसिटी, या मैं यूं कहूंगा कि दोनों एक ही बातें हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, कभी कह रहे हैं दो अलग अलग बातें हैं, कभी कह रहे हैं कि दोनों एक ही बातें हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग बातें भी हैं और एक ही बात भी है। किस सेंस में अलग होगी और किस सेंस में सेम होगी, ये हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये दो टॉपिक्स हैं और मैं काम ही करता हूँ, सबसे पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। और पहला जो टॉपिक है दैट विल बी स्पीड। पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं कि हम फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे हैं किसको, स्पीड को। अच्छा, जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड का मतलब बहुत आसान सा है। अगर किसी को आपको बताना हो या डेफिनेशन के जरिए या कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। सो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो मैं यहां पर इसकी पहली डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। एंड द डेफिनेशन इज वॉट, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड या दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। ये तो आ गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। फिर अब हम बात करते हैं और मतलब बेसिकली क्वालिटेटिव की बात करते हैं, बेसिकली इसके डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, स्पीड में एक चीज़ आ जाती है, वो ये कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बहुत कम टाइम के अंदर, मतलब बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। बहुत आसान सी बात है। तो जब आप स्पीड की बात करते हैं, जब हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ आ जाती हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस, कितना फासला कवर किया और उस फासले को, उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा। लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैं बोर्ड के इस वाले कॉर्नर पर खड़ा हुआ हूँ और मैं मूव करके बोर्ड के इस वाले कॉर्नर तक आ गया, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे कुछ टाइम भी लगा होगा, कुछ सेकंड्स भी लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है मैं मूव करके गया तो मेरी कोई ना कोई स्पीड तो होगी। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं कितनी स्पीड से मूव करके गया तो मुझे अपनी दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या, कि मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। अगर मुझे ये पता हो तो मैं दोनों को डिवाइड करूँगा और मुझे अपनी क्या पता चल जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी। तो स्पीड का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इस डेफिनेशन को भी यहां पर लिख देता हूं मैं, और यानी कि इसकी एक और डेफिनेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस कवर्ड by a body in a unit time is called, क्या कहेंगे भाई इसको, इसको हम कहेंगे स्पीड। एक और तरीका होता है इसको लिखने का, इसकी डेफिनेशन को एक और तरीका होता है लिखने का, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो या कवर किया जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर एक सेंटेंस आ जाता है, यहां पर एक टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहां पर मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, तो वो क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को डिफाइन करना हो तो ऐसे कर देना डिफाइन, स्पीड को डिफाइन करना हो तो या तो ऐसे कर देना डिफाइन, स्पीड को डिफाइन करना हो तो ऐसे कर देना डिफाइन। तो भाई हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड. सारी एक ही बातें हैं, अलग अलग टर्म्स के जरिए, अलग अलग कंडीशंस के जरिए आपको बताई गई हैं. तो यहां से हमने स्टार्ट किया, ये आ गई स्पीड की डेफिनेशन. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यानी कि उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. मैं यहां लिख देता हूं मैथमेटिकल, मैथमेटिकली लिख देता हूं खाली, मतलब आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं डिस्टेंस, सॉरी स्पीड के फॉर्मूले को. ओके, अगर हमें दो चीजें पता हूं, क्या क्या, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, यहां पर आ गया डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, तो ये किसके बराबर हो जाती है? स्पीड के बराबर हो जाती है. तो ये बन गया स्पीड का फॉर्मूला. सो स्पीड is equal to distance covered by a body divided by time, that will be speed. Okay, symbolically लिखते हैं. symbolically मतलब जाहिर सी बात है, हम formula के अंदर पूरा पूरा थोड़ी लिखते हैं, इनके spellings थोड़ी लिखेंगे कि speed लिखो, distance लिखो, time लिखो, हम symbols use कर रहे होते हैं. तो speed का जो symbol होता है that is v, small v बनाइएगा, capital V मत बनाइएगा. जो symbols होते हैं आप prefer उसको ही किया करें, small v for speed भी और small v for velocity भी. कैपिटल वी की बात करोगे तो वो वॉल्यूम बन सकता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता है, ठीक है. तो स्मॉल वी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड. अच्छा, डिस्टेंस को हम शो कर देते हैं डी से, एंड देन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से. तो ये बन गया स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड. रेट ऑफ, देखो वही वाली बात मैंने आपको बताई थी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर एक सेंटेंस आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. तो ये बन गया मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला. ओके, इसके यूनिट्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो स्पीड होता है उसका यूनिट क्या होना चाहिए. ओके, यूनिट, यूनिट्स ऑफ स्पीड. ओके, अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. हमारे पास FPS भी होता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है. हमारे पास CGS होता है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. फिर हमारे पास SI सिस्टम होता है, सिस्टम इंटरनेशनल. तो हम तीनों यूनिट्स के अंदर चेक करते हैं, तीनों सिस्टम्स में यूज करते चेक करते हैं कि हम स्पीड का यूनिट क्या क्या पढ़ते हैं. तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं किसके बारे में, इन सिस्टम इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम यूज ही क्या करते हैं SI यूनिट्स. सो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, सबसे पहले ओके, मुझे स्पीड का जो यूनिट निकालना है, बेसिकली वो निकालना है इसके अपने फॉर्मूले से. फॉर्मूले के अंदर एक आ रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. तो ये आ गया m, m फॉर मीटर, डिवाइडेड बाय आ गया टाइम. अच्छा, मैं काम ये करता हूँ, सबसे पहले इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि m का मतलब मास भी हो सकता है. ओके, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, तो ये आ गया मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर. तो यहां पर आ जाएगा सेकंड. तो भाई आप देखिए यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड. अब मैं लिखता हूं सिंबल मीटर पर सेकंड, और इसको लिखने का एक तरीका और, मीटर सेकंड इनवर्स. सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. ये तो बन गया एसआई यूनिट. अब हम डिस्कस करते हैं अदर मतलब सिस्टम्स के अंदर. तो बेसिकली अब मैं बता देता हूं, सीजीएस सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं. इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, ओके, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड. तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है. अब देखो यहां पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप डिस्टेंस का यूनिट कभी भी मीटर नहीं लेते, बल्कि हम सेंटीमीटर लेते हैं. तो जहां पर मीटर था वहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर. तो अब आपके पास यहां पर जो यूनिट बनेगा दैट विल बी स्पीड इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको यू भी लिख लो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. आई बात समझ में? तो SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बन गया FPS सिस्टम. तो FPS सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई कि FPS सिस्टम में यूनिट क्या बनना चाहिए. सो इन FPS सिस्टम, अच्छा FPS सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, जिसको समटाइम्स हम BE सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम. ओके, इन FPS सिस्टम तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा, ओके, पहले इसकी एब्रिविएशन देखते हैं, फुट, F फॉर फुट,
पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। तो जहां पर डिस्टेंस का यूनिट मीटर था, यहां पर डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर था, तो यहां पर डिस्टेंस का यूनिट क्या बना? फुट। तो एफपीएस सिस्टम में हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं किसके अंदर? फुट के अंदर। सीजीएस सिस्टम में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर के अंदर, और एसआई में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर के अंदर। सो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां पर क्या बनेगा? फुट पर सेकेंड। तो यह बन जाएगा फुट पर सेकेंड, और इसको इन्वर्स करके लिख दें, फुट सेकेंड इनवर्स। तो एस आई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, सी जी एस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एफ पी एस सिस्टम में फुट पर सेकेंड। ओके, ये तो हो गया, फॉर्मूले की बात हो गई, हमने यूनिट चेक कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो डायरेक्शनल होती हैं या वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक था डिस्टेंस और एक था डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज हम लोग। हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर, नॉन डायरेक्शनल, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर। याद है हम लोगों ने पढ़ा था, हमने कहा था कि द ओनली डिफरेंस, वो वाहिद डिफरेंस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग करता है, दैट डिफरेंस इज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं है पाथ में, रास्ते में विदाउट डायरेक्शन है तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और अगर पाथ में विदाउट सॉरी पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाज और इज व्हाट? वन इज स्केलर एंड द सेकंड इज वेक्टर। समझ आई बात? तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम कहते हैं कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है, किस तरफ है कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई आपसे स्पीड की डायरेक्शन पूछ रहा है तो गलत कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, डायरेक्शन होती है, वो स्पीड की नहीं होती बल्कि वो वेलोसिटी की होती है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट स्पीड, सो स्पीड हैज नो डायरेक्शन, इट हैज जस्ट मैग्नीट्यूड। सो दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर ओनली मैग्नीट्यूड्स विदाउट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। तो हेंस वी से दैट कि स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ, ओके इसको हाईलाइट कर देता हूं, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहां तक बात क्लियर है? ओके जनाब, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम लास्ट में ये पढ़ते हैं कि स्पीड की हमारे पास टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो मैं काम ये करता हूँ, पहले आपको बताऊँ कि हम बेसिकली किन टाइप्स की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सबसे पहले जगह छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको लिखवाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये सेकंड हो गई। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है एवरेज स्पीड, एवरेज, एवरेज स्पीड, मैंने जगह छोड़ी हुई, यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा और यहां पर डेफिनेशन, ठीक है, एवरेज स्पीड। और इसके बाद हमारे पास आती है सबसे लास्ट के अंदर, और वो आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार कैटेगरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पीड की। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं यूनिफॉर्म स्पीड से। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक और भी होता है, उसका मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड कह लो, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम ना, सब स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सब एक जैसे दिखो, है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कांस्टेंट, एक जैसा, एक ऐसी स्पीड जो कि चेंज ना होती हो, जो कि कांस्टेंट रहती हो, जो कि सेम रहती हो, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट सपोज
मैं एक काम ही करता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ तक बोर्ड है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ मैं, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ बोर्ड और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिमेनिंग हाफ, ठीक है। अच्छा हम इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर्स है, सही है। अच्छा अब चेक करिएगा भाई, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ। अच्छा मैं ये नोट करूँगा कि मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और कितने टाइम में कवर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं टाइम नोट कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने पहले 1 मीटर को कवर किया 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 मीटर को भी मैंने कवर किया ठीक 1 सेकेंड के अंदर, यानी मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी 1 मीटर कवर किया 1 सेकेंड के अंदर, नेक्स्ट 1 मीटर भी कवर किया 1 सेकेंड के अंदर, उसके बाद वाला भी 1 मीटर मैं कवर कर रहा हूँ 1 सेकेंड के अंदर। तो हो क्या रहा है, मैं इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा हूँ और इन इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में मुझे टाइम भी इक्वल लग रहा है। 1 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 मीटर इन 1 सेकेंड। सो ऐसी स्पीड जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल टाइम में कवर करे, ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड। ओके यहां पर लिख देते हैं डेफिनेशन। सो क्या बनेगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर बॉडी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन सच टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि बॉडी का सेम डिस्टेंस कवर करना और सेम टाइम में कवर करना, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब अगर बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती जाएगी। अगर बॉडी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो वो 100 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती जाएगी। समझ आ गई। ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि देखो एक चीज़ में फ़र्क आ जाएगा, टाइम तो सेम रहेगा। पता है टाइम सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हम बात करते हैं पर सेकेंड की। यानी कि जितना भी बॉडी डिस्टेंस कवर करे, ज़्यादा कवर करे कम कवर करे, लेकिन हम बात जो करते हैं वो करते हैं पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना कवर कर रही है वो। तो टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम का इंटरवल हमेशा सेम रहेगा। जो चीज़ चेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है, डिस्टेंस। तो अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम, तो ऐसी स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं भाई, बॉडी ने सबसे पहले 2 मीटर कवर किए, गौर से सुनिएगा, पहले 2 मीटर्स कवर किए 1 सेकंड के अंदर, फिर 4 मीटर्स कवर किए 1 सेकंड के अंदर, मतलब पहले 1 सेकंड में उसने कवर किए 2 मीटर्स, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कवर किए 4 मीटर्स, फिर नेक्स्ट 1 मीटर में कवर किए 1 मीटर। इसका मतलब एक सेकंड तो कांस्टेंट है, लेकिन वो हर सेकंड में कभी कम डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर फिर कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसी स्पीड जिसमें बॉडी 1 सेकंड में, यानी कि इक्वल टाइम के अंदर, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि पता है स्पीड बढ़ रही है कभी, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी स्पीड कम हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब अब सेम नहीं है, और ये सेम कब नहीं होगी, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बार बार ध्यान में आ रहा है, आगे मतलब हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वैसे टॉपिक तो पढ़ लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो जिक्र आएगा वो आएगा वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर, तो बार बार मेरे मुंह पे वो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सिर्फ एक फर्क, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज वॉट, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो यूनिफॉर्म, और अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, और इसको हम बोल देंगे नॉन वेरिएबल, जो कि चेंज नहीं होती है। अब आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब होता है कि आपने टोटल जर्नी का स्पीड निकालनी होती है, टोटल जर्नी की स्पीड निकालनी होती है। अच्छा अब ऐसा कैसे करेंगे हम लोग, देखें बहुत आसान सी बात है।
बॉडी ने एक पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, खत्म जहां पर रुकी वो, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया हो, जितना भी डिस्टेंस कवर किया हो और उसको कवर करने में जितना भी टाइम लगा हो, मींस इसको मैं अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे कहूं, सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये होती है एवरेज स्पीड, यानी कि बॉडी का टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। तो यहां लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम बाय द ऑब्जेक्ट। सो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा, जब आप इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। नाउ इन द लास्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना आसान हो गया ये कॉन्सेप्ट कि अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। बहुत आसान है, डेफिनेशन रटी हुई होती है, कभी पूछो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो हंसना स्टार्ट करते थे, ऐसा समझ, दांत निकालना स्टार्ट कर लेंगे, समझ नहीं ऐसा, मतलब कॉन्सेप्ट ना पूछो, हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ लो, हम रट्टे में बहुत अच्छे हैं, है ना, ये वाली बात चल रही होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मैं कहूँगा, अगर यूँ कहूँ कि इन सब में सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या, मैं आपको बताऊँ, दोबारा मेरी मिसाल सुनिएगा, एग्जाम्पल सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं अपनी जर्नी यहाँ पर आके ख़त्म करूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस बहुत कम है, कोई 2 मीटर का या 2.5 मीटर का डिस्टेंस होगा। मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब किलोमीटर्स के अंदर ये डिस्टेंस है। मैं इमेजिन कर लेता हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं इमेजिन करके, कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो लेट्स इमेजिन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस मैं कवर करने जा रहा हूँ ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस है। ओके, नाउ लेट्स सी मैं क्या कर रहा हूँ। भाई मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली बात है मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्यों, क्योंकि किलोमीटर्स के अंदर है। मैं जा रहा हूँ, मूव करता हुआ जा रहा हूँ, कभी स्पीड मेरी बढ़ रही है, कभी स्पीड मेरी कम हो रही है, मैं मूव करता हुआ गया और फाइनली मैं एंडिंग पॉइंट तक आ गया, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस को मैंने टोटल कितना टाइम लिया उसे डिवाइड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। लेकिन हम एवरेज की बात नहीं कर रहे, हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ओके, दोबारा देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये रहा, मैं मूव करता हुआ जा रहा हूँ, मेरे पास कॉल आ जाती है, ठीक है, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। मैंने कॉल अटेंड करी, उसने बोला कहाँ पर हो, मैंने बोला यार मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ, लेट्स सपोज घर की तरफ जा रहा हूँ। उसने बोला कि कैसे जा रहा हूँ, मैंने बोला कार ड्राइव कर रहा हूँ, कार में मूव करता हुआ जा रहा हूँ। यार कितनी स्पीड है, ऐसे पूछ लिया, दोस्त है, कितनी स्पीड से जा रहा है भाई तू। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा था, उसका उसकी कॉल आ गई, उसने बोला अभी कितनी स्पीड है तुम्हारी, मैंने बोला यार इस वक्त मेरी स्पीड है लेट्स सपोज 60 मीटर पर सेकंड, नहीं 60 ज़्यादा बता दी, लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड। मैंने उसको कहा मेरी स्पीड है इस वक्त 5 मीटर पर सेकंड, तो ये मैंने इस वक्त स्पीड बताई उसको अपनी, इस वक्त जहाँ पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, ना यहाँ की बताई, ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की बताई, मैंने टोटल स्पीड नहीं बताई, मैंने एवरेज स्पीड नहीं बताई, मैं जिस लम्हे में उसने मुझसे पूछा मैंने सिर्फ उस लम्हे की उसको स्पीड बताई कि मेरी अभी जो है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, मीटर में देख के मैंने बता दिया। तो ऐसी स्पीड जो आप किसी भी इंस्टेंट की बताते हैं, ऐसी स्पीड जो आप अपनी किसी भी लम्हे की बताते हैं जिस वक्त आप वहां मौजूद होते हैं, ऐसी इंस्टेंट वाली स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ आई, जैसे अभी मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, 0। तो जब आप मूव करते हुए जा रहे हो, किसी बड़े फासले को कवर कर रहे हो, आप अपने घर से किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे शहर जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा घर से जिस स्पीड से निकलोगे उस तक पहुंचने तक, दूसरे सिटी तक पहुंचने में क्या एक ही स्पीड से मूव करोगे, इम्पॉसिबल सी बात है, कभी रुकोगे, कभी कभी बढ़ जाएगी स्पीड, कभी कम हो जाएगी। तो वहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एवरेज का आ जाएगा टोटल। लेकिन मूव करते हुए जब आप किसी लम्हे कि हाँ यार इस वक्त मेरी स्पीड ये है, तो वो जो उस लम्हे वाली उस इंस्टेंट वाली स्पीड को बताओगे ना, उस इंस्टेंट वाली स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बात समझ आई, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब किसी भी लम्हे, जिस लम्हे की आप बात कर रहे हो सिर्फ उसकी, टोटल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा,
टोटल का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम तो बनेगी यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम तो बनेगी नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम तो बनेगी एवरेज, और किसी भी इंस्टेंट वाली स्पीड की बात करेंगे तो बनेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पीड, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड. तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड स्पीड. बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, दिस इज कॉल्ड स्पीड. स्केलर क्वांटिटी है एंड इसको हम मेजर करते हैं एस आई सिस्टम में, किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड के अंदर. ओके, स्पीड को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी. मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दी हैं, वो इस वजह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. तो जैसे हमने स्पीड में लिखी थी बातें, वो तकरीबन सेम यहाँ पर लिख देंगे. कुछ फर्क के साथ हैं, कुछ डिफरेंसेस के साथ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. देखो भाई, जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वही फर्क स्पीड में और वेलोसिटी में होता है. क्या फर्क? डिस्टेंस इज अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक नॉन डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल. सेम कंडीशन इज अप्लाइड इन द सेंस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती और एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है. याद है अभी स्पीड का टॉपिक लिखा था, तो यहां पर लिखा था मैंने एक पॉइंट कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज वेलोसिटी. तो भाई याद है आपको स्पीड की मैंने तीन डेफिनेशन लिखाई थी, तो वेलोसिटी की भी वही सेम डेफिनेशंस हैं. ये देखो, एक दो तीन, ये आगे तीनों डेफिनेशंस. सबसे पहले लिखी थी हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड स्पीड. देखो सेम लिखी हुई है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बट एक चीज ऐड कर दी मैंने, क्या, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मीन्स अब ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बनेगी वेलोसिटी. तो याद रखिएगा, स्पीड में और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के, एंड दैट वन थिंग इज व्हाट, डायरेक्शन. मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं. मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी स्पीड क्या है. मैंने बोला कि मेरी इस वक्त स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और मैं बोल के चुप हो गया. मुझसे दोबारा किसी ने सवाल किया कि आपकी कितनी स्पीड है और आप कहां जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं. अब मैंने उसको बताया कि भाई मेरी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और मैं मूव करके जा रहा हूं टूवर्ड्स नॉर्थ. लेट्स सपोज सामने नॉर्थ है, तो मैंने कहा टूवर्ड्स नॉर्थ. तो अब जो मैंने बताई ना उसको, ये मैंने अपनी स्पीड नहीं बताई, अब मैंने उसको बताई वेलोसिटी. तो जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो मजीद स्पीड नहीं रहती, वो बन जाती है वेलोसिटी. तो विदाउट डायरेक्शन इट इज जस्ट स्पीड, एंड विद डायरेक्शन इट इज नॉट जस्ट स्पीड बट इट बिकम्स व्हाट, वेलोसिटी. बात समझ आई? सेकंड डेफिनेशन देखते हैं. वहां पर क्या लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड. क्यों? क्योंकि आप स्पीड की बात कर रहे हैं. और अब आपने यहां पर लिखा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्शनल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन की बात नहीं होती तो डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इट बिकम्स व्हाट, वेलोसिटी. थर्ड देख लेते हैं, वहां लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यहां देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब एक ऐसा पाथ कवर कर रही है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब वो स्पीड के साथ जा रही है. और अगर बॉडी पाथ कवर कर रही हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसका मतलब वो अब वेलोसिटी के साथ जा रही है. आगे बात समझ में, या आगे इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. वहां क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी. स्पीड का सिंबल भी v और वेलोसिटी का सिंबल भी v. समझ आई बात? फर्क कितना है, इसके ऊपर एरो आ गया और d के ऊपर एरो आ गया. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वहां पर एरो हमने यूज नहीं किए थे, यहां पर एरो हमने यूज कर लिए. फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने चेक किया था यूनिट्स को, तो हमने तीन सिस्टम्स को चेक किया था, SI, CGS और FPS. यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है, जो यूनिट्स स्पीड के होते हैं एज इट इज, वही यूनिट्स वेलोसिटी के भी होते हैं. क्यों? क्योंकि बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता. ओके, देखें सिस्टम इंटरनेशनल में, SI सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड. स्पीड का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड. ओके, सीजीएस सिस्टम में
स्पीड का यूनिट भी, वेलोसिटी का यूनिट भी, क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड. क्यों? क्योंकि सी का मतलब क्या? सेंटीमीटर. देन एफपीएस सिस्टम में भाई, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करवाया है, तो अगर किसी ने अभी मुझे ज्वाइन किया हो बीच में से, तो मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले कुछ मिनट्स पहले स्पीड के सेंस में बकायदा अपने हाथ से लिख के ड्राइव करवाया था कि ये फर्क होता है, सही है? तो अगर आपने डिटेल में देखना हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लो. यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया. क्यों लिख दिया? क्योंकि ये चीज हमने पढ़ ली है. ओके, सीजीएस में क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड. देन एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में यूनिट क्या बनता है? फुट पर सेकंड. तो ये आ गए इसके यूनिट्स की बात. अब जाते हैं टाइप्स की तरफ. जिस तरीके से हमने टाइप्स पढ़ी थी किसकी? स्पीड की, है ना? एक पढ़ी थी यूनिफॉर्म, एक पढ़ी थी नॉन यूनिफॉर्म, और एक पढ़ी थी एवरेज एंड देन इंस्टेंटेनियस. इसी तरीके से हम टाइप्स पढ़ेंगे वेलोसिटी की, और टाइप्स में कौन कौन सी आ जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एक एक करके सबको लिख लेते हैं. लेट सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? वहां पर क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो वो था यूनिफॉर्म स्पीड. तो अब एक फर्क आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बस ये फर्क आ जाएगा. सो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. फिर उसके बाद क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, यानी कि चेंज होने वाली वेरिएबल वेलोसिटी. अच्छा, मैं आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ स्पीड के सेंस में ना, तो वही सेम सेंस, वही सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी के सेंस में भी है, कोई फर्क नहीं है. तो हो सकता है मैं अब ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. तो बिल्कुल अगर आपने देखना हो तो जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां बताया था, बस एक फर्क कर दो. वहां डिस्टेंस को डिस्कस कर रहा था मैं, यहां पर क्या आ जाएगा? बस डिस्प्लेसमेंट. तो 1 meter डिस्प्लेसमेंट इन 1 second, नेक्स्ट 1 meter डिस्प्लेसमेंट इन 1 second, नेक्स्ट 1 meter डिस्प्लेसमेंट इन 1 second. इसका मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, तो क्या बनेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और 1 second में 2 meter, 1 second में 4 meter, 1 second में 6 meter, तो मतलब 1 second तो सेम है, लेकिन फर्क किसका आ गया? डिस्प्लेसमेंट का, कभी कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है? तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम, तो ये क्या बनेगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि अनइक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal intervals of time, in equal intervals of time, ये बन गई non uniform यानी कि variable velocity की definition. Okay, third पे हमने क्या पढ़ा था? average velocity, वहां पढ़ा था average distance, तो अब यहां पर आ जाएगा average velocity. हाँ भाई, average velocity के बारे में हमने पढ़ा था, किसी भी दो points के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना कवर किया, और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा. जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी. तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, यू कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम. ये बन गया किसका डेफिनेशन? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन बन गई. चाहो तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेना. फॉर्मूला में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल आ जाएगा, टाइम के साथ टोटल आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी. तो इसको मैं, चलो लिख देता हूं मैं, कैसे बनेगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. यहां तक बात क्लियर है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देन एवरेज वेलोसिटी. कौन सी रह गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसको भी पढ़ लेते हैं.
इन तीनों टाइप्स को पढ़ने के बाद अब हमारे पास एक टाइप बच जाती है, और वो बच जाती है कौन सी वाली भाई, तीन पढ़, चार पढ़े थे ना हम लोगों ने, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने ये रब किया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो डेफिनेशन से पहले, सॉरी, इंस्टेंटेनियस और सेम कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्पीड के सेंस में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जैसे लिखा था स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बड़े से बड़ा फासला कवर करें तो आप टोटल की बात नहीं करें, उन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी कोई आपसे पूछता है कि बताओ इस लम्हे में, इस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो जो आप उस लम्हे, उस इंस्टेंट पर, सिर्फ उस पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी है, जब आप वो बताएंगे, इसका मतलब आप बता रहे हैं अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब मैं काम ही करता हूं, इसकी आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, इसकी एक डेफिनेशन और बताता हूं जो अक्सर बुक्स में या नोट्स वगैरह में लिखी हुई होती है। देखें बहुत आसान सी बात है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने आपको इमेजिन करवाया था कि बोर्ड के इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक इमेजिन कर लेना, याद है मैंने कहा था कि बहुत बड़ा फासला है, किलोमीटर्स में फासला है। अब मैं यहां से लेकर यहां तक फासला कवर कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर करता जा रहा हूं, कवर करता जा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी एक खास लम्हे की बात करता हूं, वो कहते हैं ना पल भर में गुजर गया लम्हा, लम्हा तो होता ही बहुत छोटा है भाई, ये लम्हा गुजर गया, सिंपल सी बात है। तो लम्हे का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बहुत शॉर्ट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट यहां पर यूं भी आता है कि इंस्टेंटेनियस वो वेलोसिटी होती है जिसमें बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस लम्हे की बात कर रहे हैं। तो लम्हे के मुताबिक बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, टोटल नहीं, उस इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर बॉडी जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन, सॉरी सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैं आपको आगे जाके ये भी बता रहा हूं कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होना चाहिए। सो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देखो मैंने बताया आपको लम्हे की बात करते हैं तो लम्हा बहुत जल्दी गुजर जाता है, इंस्टेंट बहुत जल्दी गुजर जाता है, इवन मैं कहूंगा कि एक सेकंड भी कंप्लीट नहीं होता, लम्हा गुजर गया, सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही होता है। तो जब आप वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखें मैं यहां पर इसका फॉर्मूला कैसे लिखता हूं। सबसे पहली बात कि आप फॉर्मूला लिखेंगे बिल्कुल सेम, फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, और यह बन जाती है वेलोसिटी, फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। एक काम करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं INS, नजर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक तो शॉर्ट फॉर्म आ गई। दूसरी बात, यहां पर टाइम लिमिट आ गई, टाइम लिमिट आप कंप्लीट टोटल टाइम की बात नहीं कर रहे, आप बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक में लिख रहा हूं टी इज इक्वल टू जीरो और एक में लिख रहा हूं टी एरो जीरो। भाई टी इक्वल जीरो का मतलब टाइम एग्जैक्टली जीरो है, और टी एरो जीरो का मतलब यह है कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम इतना शॉर्ट है कि करीब करीब जीरो के है, तकरीबन जीरो है लेकिन पूरा जीरो नहीं है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का, यहां पर टाइम शॉर्ट जरूर है, यहां पर टाइम बहुत कम जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है,
टाइम अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा टाइम, बहुत कम टाइम, लेकिन जीरो टाइम नहीं है। तो यहां पर हम एक चीज लगा देते हैं, वो ये कि एल आई एम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट, और ये लिमिट किसकी, टाइम की लिमिट। सो टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या बना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और टाइम की लिमिट। इसको कैसे रीड करेंगे, लिमिट ऑफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और उस इंस्टेंट का मतलब वो जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, और उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइनली ये पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा, अच्छा इसमें लास्ट में एक चीज ऐड कर लेना, वो क्या, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे मेन बात, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यही तो फर्क है भाई, स्पीड में और वेलोसिटी में यही तो फर्क है कि स्पीड तो होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। समझ आई बात। तो वेलोसिटी के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, ये भी सुन लो मेरी बात, वेलोसिटी के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या दो चीजें, एक आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड और एक आ जाता है उसकी डायरेक्शन। समझे मेरी बात, एक आ जाती है डायरेक्शन। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली स्पीड होती है, तो इसका मतलब स्पीड का मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये स्पीड ही है। तो याद रखिएगा, जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आई होप के यू विल आंसर इन ईजीएस्ट फॉर्म। समझो मेरी बात। तो स्पीड इज अ नॉन डायरेक्शनल यानी कि स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज अ डायरेक्शनल यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। बाकी तकरीबन सारी चीजें सेम है, तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशन सेम है, यूनिट्स तक सेम है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ आ गए, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था, स्पीड एंड वेलोसिटी को भी समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।